व्हाट्स अप गाइस एंड बहुत टाइम हो गया, बहुत दिन हो गया और व्लॉग बहुत दिनों से नहीं आया। एंड पिछले वाले व्लॉग में जो आना था, जो कि हम लोग लोनावला गए थे, वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैसअप हो गई एंड फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी मतलब ऑफ ट्रैक हो गई। पिछले वाले व्लॉग में ये वाला सीन हो गया था कि मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में क्लिप्स में ऑडियो का बीटी हो गया था एंड पता नहीं आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन ये माइक ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। ये पता नहीं क्या हो गया इसको, इट वाज वर्किंग फाइन, लेकिन कभी कभी बीच में ये होता है कि क्योंकि हमेशा से मैं इसको यूज़ करता आ रहा था, जब से ये कैमरा सेटअप मेरा हुआ है टोटली, तो ये ऑटोमेटिकली ऑन रहता था। एंड बीच बीच में आई डोंट नो क्या हुआ कि जब भी वहाँ पर लोनावला में था मैं और जब जब मैं ब्लॉग कर रहा था, मैं ये देखता था कि ये खुद ब खुद टर्न ऑफ हो जाता था। तो क्या करता था मैं कि जब भी कोई क्लिप बनानी होती थी, जब भी कोई शूट करना होता था ब्लॉग का कोई भी सेगमेंट कोई भी पार्ट, तो मैं शूट करने से पहले माइक को ऑन कर लेता था। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग जिस तरीके से कैमरा मैं पकड़ता हूँ, तो जो माइक ऑन है या ऑफ है, ये बैक साइड में उसका जो उसका लाइट होता है LED होता है वो रहता है। तो मैं पूरा ब्लॉग कर लेता था, पूरा सेगमेंट शूट कर लेता था एंड मैं कैमरा ऑफ कर देता था, तो मुझे ध्यान नहीं था कि वो माइक रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्डिंग चल रही होती थी तब ऑफ है या ऑन है। तो उसकी वजह से इतना मतलब बीटी हो गया कि आधे से ज़्यादा क्लिप्स में तो ऑडियो ही नहीं था। तो इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने इसको निकाल दिया एंड वी आर यूजिंग द माइक्रोफोन जो कि कैमरा के अंदर है, और उसकी वजह से लोनावला वाले व्लॉग में इतनी सारी चीज़ें मैसअप हो गई थी। ये हमारे एडिटर हैं इस व्लॉग के, वो अभी के लिए इन्होंने कहा है कि ये एडिट करेंगे। अगर कुछ आल बाल एडिट हुआ तो इनकी गर्दन पकड़ लिएगा, पता है आपको इनको कहाँ पकड़ना है। ये भी ठीक है, तो मेरी गर्दन मत पकड़ना। तो उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो एडिटर हुआ करते थे हर्षित, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे, तो हमने उनको अभी छुट्टी भी भेज दिया है कि तुम जाओ और तुमसे ना हो पा रहा। बहुत परेशान किया उन्होंने और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि एडिटर का मसला हो गया था। तो अभी के लिए आदि इज़ एडिटिंग माय व्लॉग्स, लेट्स सी वो कैसा करते हैं। आज की रात 31st की रात है और वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2021 इन अप्रॉक्सीमेटली 1 hour and 10 minutes। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एंड दे आर लाइक सेलिब्रेटिंग द न्यू ईयर बाहर जाके और बहुत सारी चीज़ें करके, बट द सैड पार्ट इज़ कि यहाँ मुंबई में लॉकडाउन हो जाता है रात में। मैंने नहीं सुना कि जो है दिल्ली और इन सब जगहों में हो रहा है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को रात में घूमते हुए देखा, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। सो वी डिसाइडेड कि आज रात हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी गेमिंग हाउस में, हम उनके साथ करेंगे यहाँ पे बारबेक्यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंतज़ाम करा ग्रिल का और चिकन हम लोगों ने मंगवाया, मैरिनेट किया, बिरयानी भी लेकर आए हैं, तो चिकन जस्ट चखने के लिए है, बनाना एंड ऑल ये सारी चीज़ें करना एंड पेट भरने के लिए हमारा बिरयानी रहेगा। तो यहाँ पे 8-10 लोग हैं अभी, तो उनके साथ आज रात हम लोग बारबेक्यू करेंगे जस्ट टू सेलिब्रेट द ईयर। एंड वन मोर थिंग, अ स्वीट मैसेज, नॉट स्वीट मैसेज, अ मैसेज अबाउट व्हाट 2020 हैज़ बीन, ये मैं लास्ट में आप लोगों से बात करूँगा। अभी हम लोग चलते हैं छत पे, हम लोग कर रहे हैं बारबेक्यू, अभी हम लोग चलते हैं और चल के देखते हैं वहाँ पे क्या सेटअप हो रहा है, लेट्स गो। तो यहाँ पे नमन माथुर है और यहाँ पे कोयला है, हम लोग यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। ये हमारे लाला जी हैं, लाला जी अभी कोयले को गर्मा रहे हैं, उसके बाद द रियल शेफ विल एंटर द सीन और रियल शेफ मैं हूँ, बारबेक्यू स्पेशलिस्ट। हेलो, अबे सुन, तुमने जितनी बार बारबेक्यू खाया नहीं उतनी बार हमने बना के छोड़ दिया है। पीछे कुछ आता नहीं है, देखो 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 कैमरा कपड़े आ गए, सर्दी आ रही है। अरे ये तो हमारे नमन माथुर की है। तो नहीं, तो सीन ये है कि अभी यहाँ पे कोयला गर्म हो रहा है, अबे इसको गर्म कर लेना बटर को, हो जाएगा ओवन में, पिघला लो। अटैक कर रहा है, अटैक क्या अटैक कर, कवर फायर कुछ नहीं होता है इससे, ये छोटे छोटे तो ऐसे ही उठता रहता है, कुछ नहीं होता इससे। तो इसको इतना तेज मत करो, बस इसको भीना भीना आप छोड़ दो, हाँ अब ये इसको जलने दो और उसके ऊपर से वो भी हटा दो, क्या कहते हैं टेबल फैन, जल्दी जल्दी जल के ख़त्म हो जाएगा कोयला, अभी हम लोगों को बहुत सारा पकाना है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, दिस विल बी डन। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमारा चिकन किधर किधर दिख नहीं रहा, वो सब नीचे, अच्छा तो हमारा रियल सामान जो कि चिकन एंड ऑल है वो सब नीचे है और जल्दी से हम लोग कोयला गर्म कर रहे हैं एंड देन वी विल गेट गोइंग विद द चिकन पकाना प्रोसेस। जब हम लोग बना के थक जाएंगे
थक के खा के और थक जाएंगे, उसके बाद हम लोग बिरयानी खाएंगे, नए साल में खाएंगे, नए साल में खाना है, तब तक हम लोग बना के ठंडा करते रहेंगे उसको। चप तो अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास चटनी का फुल इंतजाम है अलॉन्ग विद प्याज। मुझे लग रहा था लौंडे भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छी तैयारी करी गई है चटनी और प्याज का। और ये हमारा चिकन है, यहाँ पे हमारा कोयला पूरा एक तरीके से अभी तैयार हो चुका है, और अभी ये हल्की हल्की गर्मी देगा, हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम अपना काम चालू करेंगे, बहुत तेज़ गर्मी दे रहा है मुँह पे, ये जो बात है। हाँ तो ये हमारा है, अभी इसको अच्छे से रख लेते हैं यार किसी बड़े उसमें। गाइज अभी हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए ऑफ लिया है, हमारे सबऑर्डिनेट ने अभी जो है टेक ओवर किया है ये बताने के लिए, वो मेरी फट गई एकदम से। तो पता नहीं किस बात का जश्न हो रहा है एकदम से मुझे। गाइज अभी 12 बज चुके हैं, 12:02 और एकदम से मुझे सब अलग ही लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। बदला है कि नहीं बदला है? बदला है, कुछ नहीं बदला है। अभी 3 पहले भी लॉकडाउन था, अभी भी लॉकडाउन है, वो नहीं, लेकिन बस वाइब्स बदल गए, बस वाइब्स बदल गई है। नमन की वाइब्स बदल चुकी हैं। तुम नोटिस किया? हवा चलने लग गई, हवा चलने लग गई, पटाखे फूट रहे हैं ना, तो हवा निकल गई। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कोल्ड ड्रिंक के मजे ले रहे हैं, एंड माइंड इट इज कोल्ड ड्रिंक, वो खाइए। और तब तक जो है यहाँ पे 3 सीखे क्यों है, एक और लगाओ ना, घुमाते रहना होगा। पता है मैं तो मेहमान बस ज्यादा घुमा रहा हूँ, देखो कितना पक्कारी कर रहा है, कह रहा है मुझसे ज्यादा घुमा रहा है। हाँ मुझसे ज्यादा ही घुमाता है ये जनता को। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बूट कैंप पे हम लोग जा रहे हैं, वो है ना, ठीक है ना, एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल दे। हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं सब लोग, अभिनव हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं सबको। और वहाँ पे पीछे लोग बैठे हुए हैं, मुझे पहले जाने थे। तो यहाँ पे हमारे देखिए ये सब हराम के खाने वाले लोग हैं, बिन मेहनत के आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, टपोरी गुंडा, इसको छोड़ दिया गया था आज के आज के आज के बारबेक्यू इवेंट में, हमने इस मुर्गी को छोड़ दिया है, इनको अगले साल ले जाएंगे। सुन रहे हो MDJT के, तुम्हारे BTS वाले वीडियो में एक का कमेंट था मॉडर्न डे चार्ली चैप्लिन, मुझे देख लो एक बार। और ये देखिए पूछ भी नहीं रहे, एक बार भी नहीं पूछा कि मामा तुमने एक इतना सा भी खाया। बाबू दे, बाबू मत खाओ, बाबू मत खाओ, खराब हो जाएगा। ऊपर से कोयला है, नीचे सॉफ्ट है। अबे दूसरे वाले पॉलिथिन में क्या है? चलो प्रॉन्स है। गाइस मैं तो सी फूड खाता नहीं, आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट लाइक सी फूड। मैं फिश भी नहीं खाता, मम्मी बहुत फोर्स करती, कभी कभी खा लेता हूँ, वैसे नहीं खाता। बटर वटर सब सही चल रहा है, अंडर कंट्रोल? ओके। बाकी के चिकन क्यों नहीं डाल रहे हैं आप? फोन पे बातें करने आपको बचाएंगे, बाकी का चिकन नहीं डालेंगे तो फिर क्या करेगा, बचाएगा? हम घुमाने में एक्सपर्ट है, और कुछ चीज करने में नहीं। मैंने क्या बोला था गाइस आपसे, घुमाने में एक्सपर्ट है साढ़े। अबे नहीं डाल दे, एक सीख में और डाल दे, तीन और बाकी छोड़ दे। लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं, जब मैं अपने जब घर पे था मैं, और तो हम लोग हर साल जैसे कि मैंने बताया न्यू ईयर पे अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू करते हैं, एंड याद आ रही है घर की। लेकिन जो है बहुत मज़ा आता है मुझे, एंड ये करने में, एंड सच में मतलब फील अलग होता है। कहीं बाहर जाना और वो बारबेक्यू नेशन में बैठ के खाना, वो सबसे बेहतर होता है। इंसान थोड़े थोड़े अपने हाथ जला ले, फील ले ले, और लेकिन फील लेना चाहिए। बारबेक्यू इज फील, दिस इज शिट, दिस इज दी शिट, दिस इज नॉट शिट, दिस इज दी शिट। अपने को सेटअप चाहिए रे बाबा, किस चीज़ का सेटअप चाहिए भाई? गाइस इंस्टा लाइव हो रहा है, और ये देखिए इतना सारा खाया है रे मर्सी ने। झूठ मत बोलो तुमने खाया? मैंने नहीं खाया, मैं वहाँ पे जब पका रहा था, जब मैंने जब उमंग पका रहा है भाई, उमंग का बारबेक्यू बनाया है, तब तक मैंने 2-4 पीस जो खाए वही खाए, अभी बिरयानी खाना बाकी है।
ऐसे ही उमंग का क्रेडिट्स ले रहा है बेचारा. उमंग देखो मेहनत कर रहा है. क्या मेहनत कर रहा है? अच्छा बना था. आई डिड वेल. एंड शाउट आउट टू जिसने मसाला लगाया. किसने लगाया? किसने लगाया था? मैरिनेट किसने किया था? तो क्या किसने किया था? वो मैंने ही करके लाया था नीचे. ओह अरे अरे बता देना इसमें एक चीज जो है. इसमें है नमक. नमक स्वाद अनुसार. स्वाद अनुसार हल्दी. हल्दी हल्दी नहीं था इसमें. चूती है. बटर. एक के जी बटर गला के हमने डाला है. ओवर. और द पार्टी इज नॉट ओवर बट द बारबेक्यू पार्ट इज ओवर. वी आर स्टिल टेरेस पे. और एक चिकन अभी बचा हुआ है. और प्रॉन्स बना रहे हैं. प्रॉन्स को वो कर रहे हैं रोस्ट. रोस्ट कुछ भी कर रहे हैं लेकिन प्रॉन्स मैं खाता नहीं. सो अभी के लिए वी आर डन. अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर चिल करेंगे. बिरयानी भी अभी मुझे खानी है. इट वॉज गुड. मज़ा आया. वैसे क्या गाना सुन रहे हो ये? तो अच्छा लगा हो यार. चिकनी चमेली अकेली. क्या चढ़ा के आई? हमारे व्लॉग में अगर कॉपीराइट आया बस हालात देख लो. वो भी बज रहे वहां से नान पाड़ नहीं. ये वो होते हैं जो बोलते हैं कि भाई लफड़ा होएगा मैं आ रहा हूँ. और जैसे एक लाफा पड़ता है पीछे से सबसे पहले भागने वाले ये होते हैं. तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? जनता हमसे तो पूछ लेगी तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन. हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है हमने बता दिया. इनका तुम इनका हम गुड्डू भैया बनने वाले पार्ट टू. ठीक है तो अभी चालू. यहाँ से भी तो बन रहे हो. वो हो जाएगा. बहुत कम हो गया भाई. बहुत कम हो गया साले. तुम देखे नहीं हो अभी जो था ना. तीन दिन की डाइटिंग हुई है अभी. तीन दिन में 5 kg. सोच लीजिए कितनी स्पीड से खा रहे थे ये. एक महीने का डाइटिंग करेगा तो गायब हो जाएगा. एक्चुअली वो कंपटीशन मिल रहा होगा. कट खाओ यार. हम भी बनेंगे. हैं देखा हमारा बना हुआ है. तुम ला रहे हो. हमारा बना हुआ है. अभी वो था ना पापा में ऑलिव थी ना. वो तुम्हारी फिजिक ऑलिव जैसी है. ऑलिव थी ना वैसी फिजिक. गाइस मैं परसों रात मिस कर रहा हूं. मैं रेबेल को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा. रेबेल इफ यू आर वाचिंग मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रहा क्योंकि तुम भी मिस नहीं कर रहे हो मैं. यस तो हाँ परसों रात में गाइस अपने सारे पुराने पबजी के लाइव वो देख रहा था. अपलोड देख रहा था हाईलाइट्स. उसमें एक मैच है जिसमें मैं अक्षु स्काउट हम सब लोग खेल रहे हैं. हाँ पबजी का एक हाईलाइट है शायद पता नहीं कौन सा है. मैं उसमें आज से लाइक 6-7 महीना पहले स्काउट ने बोला था कि अक्षु अपने बाल ब्लू कराएगा. हाँ यार और माँ कसम मैं जब देख रहा था मैं सोचा भैंस की आँख अक्षु ने तो जो है ब्लू करा रखे हैं. देखो यार स्काउट कितना प्यार करता है अक्षु तुमसे. देखो भाई कितना प्यार करता है लड़का. उसने भी करा लिया. हैं उसने भी करा लिया. वो तो एक नंबर के. बहुत पानी डाला मामा. बहुत पानी डाला है गाइस इसमें. आज जो है माली को बुलाया था और इसको कटिंग करवाइए. इसको बिल्कुल लेवल पे ले आए हम लोग. यस कूल क्यूल. तुम्हारा ये बिरयानी का दूसरा राउंड चल रहा है. दूसरा राउंड चल रहा है. मेरा अभी तक पहला राउंड भी नहीं हुआ है. तुम्हारा दूसरा हो चुका है. हाँ डेट वेट दिख रहा है. अच्छा डेट दिख रहा है. हाँ डेट दिख रहा है. एक सेकेंड दिख रहा है. दिख रहा नहीं. हाँ 10th October 2017. यस देखिए ये हुआ करता था उमंग. उमंग ये इतना पतला हुआ करता था. अब वापस आ जाएगा. और अब इस वाले उमंग में ये वाले तीन उमंग हैं. तीन उमंग. तीन जनरेशन हो गए इसके ये फोटो के बाद. तीन साल में तीन गुना हो गए. 2021 में अब ये दोबारा से ऐसे हो जाएगा. मतलब फोटो निकाला हुआ है कहाँ देखे. ये अंदर क्या है. ये सिल्वर सिल्वर चमक रहा है. तुमको पता है तुम्हारे पीछे तो कोई है ही नहीं. गाइस इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम येट डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. थैंक्स फॉर द हुक अक्षु. मैं तुम्हारे गले में डाल दूंगा अगर मैं उस पे आया था. गाइस
मैं दिया, मैं बूम दूंगा, मेरा तो मेरा तो पता ही है, मैं बूम। न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख लीजिए गाइस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन इतनी जोरों शोरों में हो रहा है, इतनी जोरों शोरों में हो रहा है, ये देख लीजिए एक बार, लाश की तरह पड़े हुए हैं, सो गए, थक गया हुआ बेचारा। खैर ज़्यादा लोग हैं नहीं अभी गेमिंग हाउस में, मोस्ट ऑफ द लोग, नमन भी चला गया अपना आंटी के पास गया है, अपनी मम्मी के पास गया है। सो बारबेक्यू वाज गुड। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं नीचे और सारा सामान वामान हम लोगों ने निपटा दिया छत पे, जितना भी टेरेस पे था सामान, और सब लोग अभी नीचे हैं, आप लोग आवाज़ सुन ही रहे होंगे जितनी भी लोगों की आ रही है। बट इट वॉज़ अ गुड नाइट एंड 2020 को गुड बाय कहने का एक अच्छा, मतलब एक अच्छा तरीका था कि मतलब वी ऑल वर टुगेदर, आज किसी ने स्ट्रीम नहीं किया और एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग द मोमेंट, और गोल्डी भाई आल्सो जॉइंड अस, मतलब मज़ा आया, वी डिड एन इंस्टा लाइव टू आप लोगों के साथ जितने भी लोग ज्वाइन हुए, और 2020 वाज नॉट दैट बैड अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी हुई मेरे साथ, और आई होप वो सारी ख़राब चीज़ें भी सही हो जाएंगी, और क्योंकि आई नेवर लूज़ होप, आई नेवर लूज़ फेथ इन एनी थिंग और एनी वन, ये पता नहीं, आई डोंट नो ये मेरी अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन बट उसी फेथ के साथ मैं अभी 2021 में भी स्टेप इन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एंड हालांकि मैंने सोचा था कि ये 2020 में 1 मिलियन हम लोग हो जाएंगे, बट नहीं हुए, इसका मुझे कोई वो नहीं है, कोई गम नहीं है, कुछ नहीं है, जब भी जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, और 100K के साथ मैं अभी आया था इस साल 2020 में, और दिसंबर में हुआ था मेरा 100K, जहाँ तक मुझे अच्छी तरीके से ये बात याद है, एंड आई एम एंडिंग विद 800, मोस्टली 800K मोर पीपल इन माई फैमिली। सो मतलब हर चीज़ का एक अच्छा साइड होता है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि आप लोग किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, यू वांट टू फोकस ऑन द बैड थिंग्स और यू वांट टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स। जब भी आपकी ये मेरा सजेशन है, वेन एवर यू फाइट विद समवन, कभी भी आप अपने किसी भी क्लोज वन से अगर झगड़ते हो, जस्ट रिमेंबर व्हाट ऑल गुड टाइम्स यू हैव स्पेंड टुगेदर, एंड दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू कम बैक टू दैट पर्सन वंस अगेन। अकॉर्डिंग टू माई नेचर, जो मेरा नेचर है, आई गिव माई एवरीथिंग टू द पर्सन जिसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कुछ भी, चाहे वो ये मेरे दोस्त हों जितने यहाँ पे हैं, नमन एंड रेगा एंड वाइपर एंड थग, गोल्डी भाई, मर्सी, माफिया, केतन एंड रेवन और अक्षु और रेबेल, जितने भी लोग हैं, आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को मिस आउट कर दिया, तो आई एम रियली सॉरी, सांगवान, जितने भी लोग हैं, आई कंसिडर देम अ लॉट। अपने बॉन्ड्स को समझो, फ्रेंड्स आर द वन, एंड फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स आई मीन कि वो फ्रेंड्स जिन्होंने आपके लिए, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपके लिए किया हो, आपके बुरे वक्त में आपके साथ थे, वो जब जब आपको उनकी ज़रूरत थी, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नेवर लीव देयर साइड। सो बस लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस अपना ख्याल रखना सब लोग, और खुश रहना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, and that gives you strength, or stick close to the ones who have cared for you, and bas isi note pe main sari cheeze khatam karunga, bahut lamba ho gaya, and milte hain aap logon se agle vlog mein, agli kahani mein. It was a good night, it was a good year, and I hope I made the year special for you in some way or the other, bhale hi wo live streams ho, bhale hi video ho, bhale hi vlog ho, kisi bhi tarike se, and I love you a lot. You guys are my strength, have been my strength, my escape from everything, and my source of happiness, every fucking thing in life. Aur bas aise mere saath rehna, and we'll have a very good journey in the coming future as well. Goodbye guys, love you all, take care, milte hain.